यूपी में पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप सामने आया है। आरोप है कि नोएडा के सेक्टर 122 में एक एएसआई ने अपने प्रमोशन के लिए एक युवक की गर्दन और दूसरे के पैर में गोली मार दी। इस दौरान आरोपी पुलिसकर्मी सादी वर्दी में था। मामला सामने आने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी लव कुमार ने इस मामले में तत्काल प्रभाव से 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित भी किया है। वहीं नोएडा के फोर्टिस में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे जितेंद्र के परिवार का आरोप है कि रात में फर्जी एनकाउंटर करने की कोशिश की गई। जितेंद्र पथरा गाँव में जिम चलाता है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। गोली जितेंद्र के गले में लगी और रीढ़ की हड्डी में अटक गई। घर वालों के मुताबिक जिम संचालक युवक 4 दोस्तों के साथ स्कॉर्पियो से बहन की सगाई कर लौट रहा था। उसे नोएडा के सेक्टर 122 में कहा सुनी के बाद विजय दर्शन नाम के पुलिसकर्मी ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल को नोएडा के फोर्टिस में भर्ती कराया गया, जबकि जितेंद्र यादव के अन्य साथी गायब बताए जा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर के द्वारा गोली मारने की बात प्रकाश में आई है और जिस युवक की गोली लगी है वो उपचाराधीन है, यहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। जिसके ऊपर एलिगेशन है उसके विरुद्ध परिवार के लोगों को हमने बताया है कि आप लिख के जो भी है आप तहरीर दीजिए और उसमें मुकदमा कायम करके जमानत जो भी कार्रवाई है यदि वो दोषी है तो बिल्कुल उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, ये मेरे द्वारा परिवार वालों को आश्वस्त किया गया। फर्जी एनकाउंटर की खबर के बाद अस्पताल के बाहर काफी संख्या में परिजन और ग्रामीण जमा हो गए। वहीं किसी विवाद और आशंका के मद्देनजर अस्पताल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है।